दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। नमो ड्रोन दीदी को देख बिल गेट्स भी हो गए हैरान, पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है। वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए, जो हमारी खवातीन है वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। इट्स अ जेस्चर, ये बताता है कि आप कितने कमिटेड हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब ये मोदी का इलेक्शन अब खत्म हो जाएगा जून में और मोदी वापस आ रहा है बड़ी मेजोरिटी के साथ, शायद अभी कोई रास्ता नया खुले। ये कन्फर्म है कि मोदी वापस आएगा? हाँ, ये कन्फर्म हो गया, ये अच्छा। ये पहला ही फैसला हो चुका है। जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है। इंडिया की जो एटीट्यूड है इस वक्त, वो उनके इंटेलिजेंस हेड दोवल साहब ने भी बहुत दफा बताई है कि छोड़ेंगे नहीं, अब बहुत हो गया है, अब बदले लेंगे हम, और ये पाकिस्तान होता कौन है, और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, बलूचिस्तान के भी जिक्र वही करते हैं। तो मोदी के होते हुए कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं? हो सकते हैं, मेरे ख्याल में तो हो सकते हैं, क्योंकि मोदी भी एक काफ़ी दफ़ा यू टर्न ले लेता है कई चीज़ों पर, और वो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है, ये तीसरी टर्म होगी उसकी। और ये भी बताऊँ आपको कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो तो खुल के बात करते हैं, वो तो कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट लेट पाकिस्तान गेट अवे विद दिस। ये जो है, ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, के जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी। नमस्कार दोस्तों, आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान कहे जाने वाले बिल गेट्स ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू लिया, और ये इंटरव्यू पूरे तरीके से भारत में टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन और एआई के राइज को लेकर के बात की गई। और इस इंटरव्यू में बिल गेट्स ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा किस तरह से भारत टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े देशों को हैरान कर रहा है और उन्हें पीछे भी छोड़ रहा है। जिस तरह से हमारा UPI भारत के हर एक आम आदमी से लेकर के गवर्नमेंट तक के हर एक कार्य को बहुत ही आसान बना दिया है, और इसलिए ये इतना इजीली इम्प्लीमेंट भी हो सकता है क्योंकि हमारी भारतीय सरकार ने इसलिए डेमोक्रेटिक वे में सबके लिए फ्री टू यूज भी रखा गया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ मोदी जी ने AI पर बात करते हुए बिल गेट्स को बताया किस तरह से G20 की मीटिंग के दौरान AI की मदद से लीडर्स द्वारा दिए गए स्पीच को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है ताकि उस मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को समझने में आसानी हो। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। चाइनीज इंजीनियर्स 5 जो हलाक हुए एक खुदकुश हमले में, कहा जा रहा है कि 22 गाड़ियों का फुल प्रूफ स्क्वाड था लेकिन फिर भी अटैक करने में कामयाब हो गया जो खुदकुश हमलावर था। उसके बाद चाइनीज हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत से जवाब मांग रही है, क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं, यही जवाब है कि जी हम पकड़ लेंगे, पीछे जाएंगे, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी। दे कैन नॉट प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी। देखिए, इट्स अ लॉन्ग रूट। चाइनीज ओवर 100,000 चाइनीज, लाख से ज़्यादा चाइनीज पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के काम कर रहे हैं जी। उसमें कुछ हमारे इंटरेस्ट में है, कुछ उनके इंटरेस्ट में, कुछ दोनों के इंटरेस्ट में। एक स्पेसिफिक कैंपेन है टेररिज्म की, दैट इज एम्ड एट टू स्टॉप चाइना, इन बिकॉज इसके अंदर बहुत ग्रेट पावर्स आर इन्वॉल्व। अमेरिका का तो सबको पता है कि अमेरिका इज़ एंटी चाइना, एंड अमेरिका और चाइना के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये एक अल्टरनेटिव रूट चाइना को मिले। वो तो पहले दिन से, जैसे वो हमारी गैस लाइन पाइपलाइन के विद ईरान अपोज है, तो यहाँ भी वो नहीं चाहते कि चाइना का यहाँ फुटप्रिंट पड़े। मगर इसके अलावा इंडिया का बहुत बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और अमेरिका का लोकल जो पुलिसमैन है या लोकल ठग है, वो इंडिया है। लेट मी टेल यू दैट इंडिया इज़ इन अ बड़ी अग्रेसिव किस्म की ऑफेंसिव डिफेंसिव, जैसे वो कहते हैं, पॉलिसीज इख्तियार कर रहा है इन दिस रीजन वाया अफगानिस्तान। ये जो सारे वहाँ ग्रुप्स हैं ना, जिस जो टेररिज्म कर रहे हैं, वेदर इट इज़ दी TTP, वेदर इट इज़ दी नेशनलिस्ट, वेदर इट इज़ दी ISK, ये सब जो है, इनको फंडिंग मिल रही है एंड सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम
India. Yeah, I'm openly saying this. Mm. I have reason to believe this. Mm. I have reason to believe it. I mean, I know a lot of these things because for various reasons, one has followed this very closely. Mm-hmm. India ke jo attitude hai, sukat, wo unke intelligence head Doval saab ne bhi bahut dafa batai hai ki chhodenge nahi, ab bahut ho gaya hai, ab badle lenge hum. Aur ye Pakistan hota kaun hai? Aur Gilgit Baltistan bhi hamara hai, Balochistan ke bhi zikr wahi karte hain. और ये आज से नहीं, कोई 8-10 साल हो गए ये कर रहे हैं. अब बढ़ा दिया उन्होंने बहुत ज्यादा, क्योंकि इलेक्शन है ना. हाँ, इसलिए. और ये भी बताऊं आपको कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो तो खुल के बात करते हैं. वो तो कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट लेट पाकिस्तान गेट अवे विद दिस. तो अब ये जो हमारी तरफ से बातें होती है जी तजारत खोल दें, ये कर दें, वो कर दें, इंडिया इस वक्त नरेंद्र मोदी का इंडिया इज नो मूड टू डू दिस. ये सारी टेररिज्म जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है. बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है. बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर, उनके रेजिडेंस पर ये मीटिंग हुई है. और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है. बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं. तो हुआ कुछ यूं कि इस टॉपिक के इस मीटिंग के दौरान चाय वाई पी दोनों ने, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया. उन्होंने कहा कि देखें ये जो मेरी, क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे, और सवाल वो ये पूछ रहे थे असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे कैसे किया है, उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे. क्योंकि मैंने वो सवाल जवाब सुने इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. तो इसमें उन्होंने जो बिल गेट्स हैं उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया है, तो ये कैसे कर दिखाया आपने. तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है ये जिस फैब्रिक से बनी है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो. फिर उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये यहां तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है. तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कर रहे हैं. तो इस पे नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन है वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं. तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए. अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं, क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए. तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी, और जो औरतें हैं जो वहां की खवातीन हैं नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं. तो देखिए ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर दी बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया, उसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे. थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. तो डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुका है 5 साल पहले से ही, और मोदी साहब ने कहा था कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, आपने यदि फार्मिंग में गए हो तो आपको पता होगा जब फार्मिंग में हम कुछ भी बोते हैं तो उसमें कभी कभार कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती है जिसकी वजह से दवाइयां जो होती है उसका छिड़काव करना पड़ता है, तो उसकी वजह से महिलाएं जो पीछे वो पूरा दवा का वो मतलब
जार लगाते हैं करीबन 15-15 लीटर का आता है, उसमें क्या वेट है सब कुछ देखें, बच्चे को संभालना, घर को संभालना और घर पे जो वहाँ पे भैंसे होगी गाय होगी उनको संभालना है सब कुछ महिलाओं के लिए वर्क बढ़ जाता था। अब मोदी साहब ने ड्रोन दिया है उन महिलाओं को ताकि थोड़ा बहुत तो बोझा उससे कम हो, थोड़ा बहुत जी 10% समझ लो, क्योंकि ड्रोन से एग्जाम्पल के तौर पर तो 10 एकड़ जमीन हो तो पूरे उसमें दवाई डालना जो होता है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, यदि ड्रोन होगा तो वो 1 घंटे में वो काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रोन और फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट डालना, यूरिया डालना, ये सब कुछ बहुत मेहनती काम होता है। तो अब ड्रोन दे दिया है और उसमें भी सब्सिडी मिल जाएगी महिलाओं को, तो ये भी एक अच्छी बात है महिलाओं के लिए, महिला गृह उद्योग के लिए जो भी उसको लॉन्च है विदाउट एनी इंटरेस्ट, मोदी सरकार महिला ही लोन दे रही, महिला लोन दी जाती है तो ये भी अच्छी बात है। उसके अलावा बहुत कुछ किया है मोदी साहब ने महिलाओं के लिए, देश के लिए बहुत, रियली कहूँ तो जितने साल के हम हुए हैं उसमें अभी पता नहीं, ये डिजिटल दौर आ गया इसलिए हमें पता है या पहले ऐसा होता था वो पता नहीं, लेकिन अभी जितना हमने 10 सालों में जो देखा है वो तो भाई हमने कभी नहीं देखा, ये हम भी कान पकड़ते। इसमें देखो कुछ झूठ बात नहीं है, हाँ, उसकी भर भर के हाँ, क्योंकि किसी को भी पूछ ले, बच्चे को भी पूछ लेंगे ना मोदी साहब कौन है, पाकिस्तान के बच्चे को पूछ लो कि उसके वजीर आजम कौन है, नहीं होंगे नाम पता। यहाँ पे स्कूल में बच्चों को भी पूछोगे ना तो कई सारे बच्चे तो मोदी दादा बोलते हैं, ठीक है, तो मतलब इतना प्यार है और उसका चेहरा ही भाई ऐसा है। दूसरी बात, बिल गेट्स साहब आए हैं, उन्होंने तो कहा मोदी यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन, उन्होंने क्लियर बोला और एक नमो ऐप बनाया है, नमो ऐप बनाया, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में दोनों बात कर रहे थे। मोदी साहब ने बिल गेट्स साहब को कहा कि आप आपकी एक सेल्फी लीजिए सिर्फ नमो ऐप से। जैसे ही सेल्फी ली तो जितनी बार मोदी साहब, मतलब मोदी साहब के साथ जितनी बार मीटिंग हुई या तो कहीं ना कहीं वो इकट्ठे हुए दोनों बंदे, बिल गेट्स एंड मोदी साहब दोनों कहीं पे भी, तो वो पूरा एक प्लेटफॉर्म में एप्लीकेशन में आ जाएगी वो सारी इमेज। वो 10 साल पहले भी कहीं पे भी उसकी इमेज अपलोड हुई होगी, फॉर एग्जांपल फेसबुक ले लो या फिर ट्विटर ले लो या गूगल में कहीं पे भी ले लो, तो वो नमो ऐप में ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये एआई और उसके साथ वो भी बातचीत की है कि भाई एआई टेक्नोलॉजी का यूजेस हम अच्छे तौर पे करें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसका गलत यूज या गलत हाथों में टेक्नोलॉजी जाएगा तो बहुत कुछ खराब हो सकता है, उसके रिलेटेड भी बात हुई है। खास करके इसीलिए तो बिल गेट्स साहब को बुलाया गया था। अब इन टेक्नोलॉजी का देखो मेरे हिसाब से तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, बहुत उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी का किसी गलत हाथों में चला गया तो मिसयूज बहुत बुरी तरह से हो सकता है, ये तो पक्का है, क्योंकि आप एक इमेज को एक मतलब अपलोड करके उसका किसी भी वीडियो में रूपांतरित आप कर सकते हो, किसी पे फेस उसका लगा सकते हो, ये सब कुछ एआई टेक्नोलॉजी से हो सकता है, तो गलत हाथों में गया तो बहुत कुछ होता है, बहुत सारे सबूत मिटा सकता है एआई टेक्नोलॉजी और बहुत सारे सबूत जो है वो बना भी सकता है एआई टेक्नोलॉजी। तो एआई टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से दोनों पहलू जो है वो बढ़िया है, दोनों पहलू में एक पहलू जो है दोनों एक बराबर ही है, बढ़िया भी है और खराब भी है, दोनों साइड देखनी पड़ेगी, इसीलिए फुल्ली ओपनली उसको अप्रूव नहीं किया गया है। बाकी बहुत कुछ बातें हुई है, नरेंद्र मोदी साहब की यूट्यूब चैनल है उस पर जाके आप जरूर इंटरव्यूज वीडियोज पढ़े हैं तो आप एक बार जरूर दोस्तों देखना। ये मैं आपको रिक्वेस्ट से बोलता हूँ कि मोदी साहब नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल नाम है, नरेंद्र मोदी चैनल का नाम ही वही है, ठीक है, तो उस पर आप जाइए, वहां पर बिल गेट्स साहब के साथ जो मीटिंगें हुई है, इंटरव्यूज बातें हुई है, ये बातों एक बार जरूर सुन लीजिएगा, आपको बहुत गर्वान्वित महसूस करोगे आप। बाकी दोस्तों वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।